बल्ले बल्ले ऐसे करते चलो कैसे करें। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारी तो गुड मॉर्निंग हो चुकी है, आई होप कि आपकी भी मॉर्निंग गुड हो। आज का दिन जो है काफ़ी स्पेशल है क्योंकि बुआ जी और फूफा जी आ रहे हैं और आज मैं उनके लिए क्या बनाऊं मैं सोचने में लगी थी क्या स्पेशल बनाऊं। तो क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे हम लोग पहाड़ी हैं तो हमें वो डिश जो होती है, पहाड़ की डिशेज़ जो हैं वो ज़्यादा पसंद आती हैं और वो अगर मिल जाए खाने को तो वही स्पेशल हो जाता है। तो यही सोच के आज मैं बना रही हूँ कढ़ी पकौड़ा और कद्दू की सब्ज़ी, राइस एंड रोटी। तो ये सब मैं आज लंच के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। वो लोग निकल चुके हैं और पहुँच जाएंगे बहुत जल्दी ही, तो मैं सोच रही हूँ कि फटाफट से ही प्रिपरेशन वगैरह कर लेती हूँ ताकि आराम से बैठ सकें, बातें कर सकें। फिर आराम से हम लोग लंच कर लेंगे। तो ये देखिए, ये कढ़ी जो है वो रेडी हो चुकी है और देखने में तो बहुत यम्मी लग रही है। बुआ जी फूफा जी भी आ गए हैं तो उनका वेलकम मैंने किया है ये नमकीन से, जो कि मैंने घर पे ही बनाई थी बेसन की, और ये लेमनेड, तो नींबू पानी उनके लिए बनाया था मैंने। और ये देखिए मीशू को इतनी खुश हो रही थी। कौन है वो? श्री। श्री है वो। तो काफी खुश थी कि बुआ नानी आई हैं और फूफा जी नानू आए हैं, तो काफी खुश वो लग रही है और काफी खेल रही थी। तो मैंने उसे रेडी कर दिया है अभी और अब वो इंजॉय कर रही है और उसके पापा भी आ चुके हैं तो वो सभी लोग बैठे हैं, हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। और लंच भी हमने फटाफट से कर लिया था क्योंकि काफ़ी लेट हो जाता है, इसलिए हमने लंच भी फटाफट कर लिया। और उसके बाद आता है नंबर आम का, तो ये पापा ने जो आम भेजे थे, लंगड़े आम वो हैं जो घर से आए हुए थे, तो वो ही मैं कट करके सर्व कर रही हूँ क्योंकि खाने के बाद तो आम ज़रूर बनता है। आजकल आम का सीज़न है और सभी को ये बहुत पसंद आता है, और जब तक ये खाने के बाद ना खाया जाए तो खाना खाया जो है अधूरा लगता है। तो ये मैंने काट के सर्व कर दिए हैं सभी के लिए, अब सब इंजॉय करेंगे। मिशू को तो कुछ ज़्यादा ही मस्ती आ रही थी तो वो तो खूब इंजॉय कर रही थी और काफ़ी अच्छा उसको लगा। सबने आराम से लंच कर लिया और बुआ जी को कढ़ी जो है वो बहुत पसंद आई और फूफा जी को भी, और उन्होंने काफ़ी तारीफ भी की और वाकई में कढ़ी पकौड़ा बहुत स्वादिष्ट बना था। क्योंकि कभी होता है ना कि स्पेशल बनाना है, उसी हम इमोशन से बनाते हैं तो मुझे लगता है कि उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है और खाना स्वादिष्ट बनता है।
सभी को लंच जो है काफ़ी पसंद आया, और बुआ जी फूफा जी को जाना भी है वापस, तो लंच करने के बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद वो निकल गए अपने घर के लिए। ऐसे ही पूरा दिन निकल गया और अब इवनिंग का टाइम है। मैंने बनाई है सब्ज़ी और अब मैं रोटी बना रही हूँ, तो फटाफट से मैं फुलके जो है बना लेती हूँ। सब्ज़ी मैंने बनाई है जो कि है तोरी की सब्ज़ी, तोरी और आलू की सब्ज़ी मैंने बनाई है। और मिशु यहाँ पे अपना खेलने में लगी है। और खाने के बाद अब आता है नंबर आम का, तो ये घर के ही आम है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो ऐसे ही आज का हमारा दिन रहा। तो आज के व्लॉग में इतना ही, और मिलते हैं आपसे फिर से हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। और जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी ग्रोइंग फैमिली का पार्ट बनिए। बाय।